नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। हमने पूर्व में ही कहा था कि द कश्मीर फाइल आतंकी साजिश है, जिसको दिखाकर कश्मीर में खौफ एवं डर का माहौल बनाया जा रहा है। कश्मीर में घटित आतंकी वारदातों ने मेरी बातों को साबित कर दिया। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर कश्मीर शांत करना है तो हम बिहारियों को सौंप दें, सब ठीक हो जाएगा। ये बातें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लिख रहे हैं। बता दें कि कश्मीर फाइल एक फिल्म आई थी, जिसमें कश्मीरी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के दिखाया गया था। लगातार द कश्मीर फाइल पर कई बार विवाद छिड़ी और विवाद छिड़ने के बाद आखिरकार फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रिलीज होते ही फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। उस फिल्म में दिखाया गया कि किस प्रकार से आतंकवादियों ने कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ कई सारी चीज़ें की हैं, वहाँ पर किस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, बर्बरतापूर्ण तरीके से वो चीज़ें अपनाते हुए नजर आ रहे थे। द कश्मीर फाइल फिल्म रिलीज तो हुई, लेकिन विवादों के साथ रिलीज हुई। द कश्मीर फाइल में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें जो हैं वो सत्य हो रही हैं। लगातार कई दिनों से कश्मीर में हिंदुओं के साथ में एक बार फिर से बर्बरतापूर्ण चीज़ें हो रही हैं। कश्मीर में हिंदुओं के साथ फिर से वही रवैया अपनाया जा रहा है जो पहले इस फिल्म में जिस तरीके से दिखाया गया है। लगातार कश्मीर से हिंदू एक बार फिर से पलायन को मजबूर हो रहे हैं। लगातार हत्याओं का दौर जो है कश्मीर में बढ़ता जा रहा है। अब इसी को लेकर के भारत में एक नई सियासत खड़ी हो गई है। तमाम लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी से कश्मीर में हो रहे बर्बरतापूर्ण चीज़ों पर लगातार नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं कि एक बार फिर से कश्मीर जो है जल रहा है, यानी कि जिस तरीके से जो फिल्मों में दिखाया गया है फिर वो चीज़ें हो रही हैं। कई बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट कर दिया है और उन्होंने नरेंद्र मोदी से कश्मीर को बिहारियों को सौंप देने की बात कही है और कहा है कि हम बिहारियों को अगर सौंप देंगे कश्मीर तो आतंकवाद मुक्त हो जाएगा बिहार। तो जीतन राम मांझी ने द कश्मीर फाइल फिल्म जब रिलीज हो रही थी उस समय भी ट्वीट किया था और उन्होंने ट्वीट करते हुए द कश्मीर फाइल फिल्म के बारे में लिखा था। और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी से जीतन राम मांझी ने कश्मीर को बिहारियों के हवाले करने की बातचीत कर रहे हैं। द कश्मीर फाइल जब फिल्म रिलीज हो रही थी उस समय जीतन राम मांझी ने लिखा था कि द कश्मीर फाइल आतंकवादियों की एक गहरी साजिश भी हो सकती है, जिसे दिखाकर आतंकी संगठन कश्मीरी ब्राह्मण में खौफ एवं डर का माहौल बना रहे हैं, ताकि डर से कश्मीरी ब्राह्मण पुनः कश्मीर न जा पाए। द कश्मीर फाइल फिल्म यूनिट सदस्यों को आतंकी कनेक्शन की जांच होनी चाहिए, यानी कि जो फिल्म मेकर से उन पे भी उन्होंने आरोप लगा दिया था कि द कश्मीर फाइल फिल्म मेकर जो भी हैं उन्होंने किस तरीके से कश्मीरी पंडितों पे, कश्मीरी हिंदुओं पर जो चीज़ें दिखाई हैं, कहीं उनका संबंध कश्मीर के आतंकवादियों से तो नहीं है। तरीके से फिल्मों में दिखाया गया है, एक बार फिर से क्या कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर में आतंकवादी हावी हो जाएंगे, ये बातें जीतन राम मांझी ने लिखी थी और आरोप भी लगाया था। बहरहाल एक बार फिर से आपको बता दें कि कश्मीर में जो चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहाँ पे भी एक बार फिर से वहाँ के हिंदुओं पर लगातार हत्याओं का दौर जारी है। लगातार कश्मीरी हिंदू फिर से पलायन करने को मजबूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। बीते कई महीनों से ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्वीट कर जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सत्ता विपक्ष के जो भी लोग हैं, वो लगातार वो चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल जीतन राम मांझी ने अब बिहारियों को सौंपने की बातचीत कर रहे हैं कश्मीर को। अब देखने वाली बात होगी कि इनके स्ट्रीट पर क्या चीज़ें, क्या घमासान मचती हैं। बहरहाल जुड़े रहिए NBC के साथ में। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। देखते रहिए NBC 24। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।